स्वागत है हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो इंडिकेटर लाइट के बारे में है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इंडिकेटर जो स्विच होता है ये किस तरह से वर्क करता है और इंडिकेटर अगर ना जले तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करें, इस वीडियो में आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को बहुत मदद मिले। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम है मैकेनिक का जो अभी नया नया मैकेनिक हुआ है, जैसे कि इंडिकेटर बॉल किस तरह से वर्क करता है, अगर एक इंडिकेटर ना जले तो हम लोग क्या चेक करें, जैसे कि सामने का दोनों ही इंडिकेटर लाइट जल रहा है, पीछे का नहीं जल रहा है, तो कैसे चेक करें, ये सब कुछ चीज़ आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो में ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए और आप लोग इंडिकेटर को एक चांस में ठीक कर सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर हमारे चैनल को पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का साथ रिलेटेड वीडियो आगे आपको आप लोगों को देखते मिलेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बाइक में इंडिकेटर जलाने के लिए सबसे पहले एक फ्लाशर का ज़रूरत होता है, ठीक है, एक फ्लाशर का ज़रूरत होता है और इसी के माध्यम से लाइन को कट करता है और छोड़ता है। तो अगर कुछ कुछ बाइक में जैसे कि डायरेक्ट हो जाता है इंडिकेटर जब हम देते हैं, जैसे कि ये हमारा इंडिकेटर स्विच है, अगर हम देते हैं और लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है तो उसके लिए ये जो रिले है फ्लाशर ये ख़राब हो जाता है, क्योंकि रिले का बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि 12 वोल्ट को यही जैसे कि अप डाउन मारता है, ब्लिंक करता है वोल्ट को, जैसे कि वोल्ट को खिलाता है यही फ्लाशर। अगर बाइक में अगर ब्लिंक नहीं करता तो इसका ज़रूरत नहीं था। तो इंडिकेटर इसीलिए ब्लिंक किया है, जैसे कि आदमी को पता चलेगा कुछ लाइट जल रहा है मुझ रहा है, अगर जलते रह जाएगा तो पता नहीं चलेगा, इसीलिए कंपनी ने किया है इसका लाइट को अप डाउन, ताकि आप इंसान के जब रात को बाइक चलता है अगर वो लेफ्ट साइड जाएगा राइट साइड जाएगा तो लाइट तो ब्लिंक करेगा तो उसको पता चल जाएगा पीछे वाले को जो ये दूसरे साइड जाना है, अगर लेफ्ट जाना है राइट जाना है, इंडिकेटर का बजर से ही वो पहचान सकता है और उसे साइड दे देता है। तो इसका इसके लिए एक फ्लाशर का ज़रूरत होता है। अब फ्लाशर किस तरह से वर्क करता है, फ्लाशर में वोल्ट कहाँ से आता है और वोल्ट इसको जाता कहाँ, ये आपको पहले बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक इसमें वोल्ट आ जाता है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे जगह पर वोल्ट आता है, जैसे कि मीटर का जो फ्यूल मीटर का तार है उसमें भी जाता है, जैसे कि ब्रेक स्विच होता है इसमें भी वोल्ट जाता है और हॉर्न में भी जाता है, तो ये काफ़ी सारे जगह पर वोल्ट चल जाता है। तो फ्रेंड्स, इग्निशन ऑन करने पर ऑटोमेटिक यहाँ 12 वोल्ट आ जाता है, आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये मल्टीमीटर है, अब जैसे कि यहाँ दिखाइए इग्निशन ऑन है, अब हम आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ एक वायर पे वोल्ट होगा। तो चलो हम इसे मल्टीमीटर को यहाँ पे रखा, मल्टीमीटर को 20 पे करा और कहीं भी बॉडी करेंगे तो एक वायर में 12 वोल्ट लाइन आ जाएगा। तो यहाँ देखो 8 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, मल्टीमीटर में दिखाऊँ, मल्टीमीटर में यहाँ देखिए 8 वोल्ट दिखा दे रहा है, क्योंकि ये 2.5 बैटरी है, अभी इसका एम्पियर कम है। अब सवाल ये है फ्रेंड्स, यहाँ जब हम लगा देंगे और ये इनपुट है 8 वोल्ट दिखाया, ऑटोमेटिक आउटपुट जाएगा कब वोल्ट निकलेगा, जब यहाँ दिखाइए इंडिकेटर का स्विच जब हम लेफ्ट या राइट करेंगे ऑटोमेटिक इसमें वोल्ट आएगा, आने के बाद अब कहाँ जाता है वो आपको मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए 3 वायर है, ठीक है, एक सिल्वर कलर है, कच्चे करो यार, जैसे कि एक सिल्वर कलर है, ठीक है, एक ऑरेंज कलर है, एक सबुज कलर है। तो ऑरेंज कलर का जो वायर है फ्रेंड्स, ऑरेंज कलर का जो वायर है वो आपका जैसे कि इनपुट है, और सिल्वर कलर का जो वायर है ये राइट साइड का है, और सबुज कलर का जो वायर है वो लेफ्ट साइड का है। तो जैसे कि हम बाइक को इग्निशन ऑन करेंगे, करने के बाद ऑटोमेटिक इसमें वोल्ट आ जाता है, अब यहाँ से इनपुट आता है, आउटपुट निकल के जाता है, जैसे कि इस स्विच पर, ये स्विच पर जाता है, जाने के बाद हम लेफ्ट राइट जब भी देते हैं तो ये लेफ्ट राइट में वोल्ट ऑटोमेटिक चल जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक में वोल्ट चल जाता है। और ग्राउंड, जैसे कि ग्राउंड हर कोई इंडिकेटर में पहले से कहीं से दे रखा है,
तो फ्रेंड्स, अगर जैसे कि एक इंडिकेटर जल रहा है, पीछे का नहीं जल रहा है, तो आप लोगों को चेक करना है। जैसे कि ये सबूज कलर का वायर है, ये मेन वोल्ट है, तो मल्टीमीटर से हम यहाँ वोल्ट चेक करेंगे। अगर यहाँ वोल्ट आ रहा है तो फिर हम पीछे का सबूज कलर को चेक करेंगे, ये जो पीछे का सबूज कलर है इसमें वोल्ट आ रहा है कि नहीं। अगर वोल्ट नहीं आ रहा है पीछे और सामने आ रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ जो वायरिंग है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वायर करता है। जैसे कि इस बाइक में ये जो सिल्वर कलर का वायर है, ये राइट साइड का है, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ करके। ये देखो, दोनों इंडिकेटर का वायर है और ये सिल्वर कलर का वायर है। देखो, ये सिल्वर कलर का वायर है, ये पीछे से नहीं जलता था, ठीक है। ये जो सिल्वर कलर का वायर है, ये राइट साइड का है, ठीक है, ये नहीं जलता था। फिर मैंने मल्टीमीटर से चेकअप करा, और जैसे कि ये जो सिल्वर कलर का वायर है, यहाँ मैंने देखा जो कटा हुआ है। तो फिर मैंने वायर को चेकअप किया, और चेक करने के बाद थोड़ा तार लगा के इसमें कनेक्शन कर दिया। अब मेरा चारों इंडिकेटर लाइट जलता है। तो दोस्तों, आप लोगों को चेकअप करना है वोल्ट आ रहा है कि नहीं। अगर तो फ्रेंड्स, अगर वोल्ट आ रही है तो फिर भी नहीं जल रहा है, तो आपको जैसे कि अर्थिंग चेक करना पड़ेगा। अर्थिंग कौन सा वायर है वो भी बता देता हूँ। जैसे कि ब्लैक में पीला वायर है, ये अर्थिंग है। अर्थिंग और वोल्ट अगर ठीक मिल रहा है तो इंडिकेटर अगर ठीक रहे तो ज़रूर जलेगा। अब इंडिकेटर जैसे कि वोल्ट भी आ रहा है और अर्थिंग भी आ रहा है। अब सवाल है फ्रेंड्स, तो इंडिकेटर क्यों नहीं जल रहा है, वो भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ इंडिकेटर को हम लोग किस तरह से चेक करें। तो चलो, हम आपको दिखाते हैं इंडिकेटर चेकअप करके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पा रहा है फ्रेंड्स, अब हम इंडिकेटर चेकअप करने वाला हूँ। तो जैसे कि मेरा इंडिकेटर का बॉल ठीक है और ग्राउंड ठीक है कि नहीं, मैं किस तरह से चेक करें। तो मल्टीमीटर को हमने कॉन्टिन्यू पे किया, क्योंकि यहीं से मुझे चेक करना है। देखो, मल्टीमीटर शो करेगा तो ठीक है। अगर शॉर्ट बॉल कोई भी चीज़ अगर हम वायर चेक करेंगे तो कॉन्टिन्यू पे करेंगे मल्टीमीटर। देखो, मेरा इंडिकेटर का बाइजर बज रहा है। अब सवाल है फ्रेंड्स, हम इंडिकेटर चेकअप करने वाला है, तो चलो हम इंडिकेटर चेकअप करते हैं। तो फ्रेंड्स, मल्टीमीटर में मेरा बाइजर भी बज रहा है और मल्टीमीटर में शो भी कर रहा है। देखो, मल्टीमीटर बंद हो गया। देखो, अब मैं लगा रहा हूँ तो मल्टीमीटर शो कर रहा है, तो मुझे पता चल रहा है। थोड़ा नीचे करो, देखो मैं छोड़ रहा हूँ और लगा रहा हूँ। तो मल्टीमीटर से इस तरह से आप लोग इंडिकेटर को भी चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर मल्टीमीटर में शो नहीं कर रहा है तो आपको पता चल गया जो इंडिकेटर बॉल कटा है या इसका ग्राउंड ख़राब है। तो आप लोगों को मल्टीमीटर से चेक करो इंडिकेटर ठीक है या ख़राब है। अगर ठीक है तो इसको हाथ छेड़खानी मत करो, वायर लगा दो, बस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को डिटेल के साथ बताया किस तरह से इंडिकेटर जलता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताया डिटेल के साथ जो इंडिकेटर किस तरह से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह का वीडियो आप लोग पाना चाहते हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का साथ रिलेटिव आगे आप लोगों को देखते मिलेगा। सिर्फ बाइक का हर कोई प्रॉब्लम हो, मैं शुरू करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं सबसे ज़्यादा मैकेनिक हूँ, लेकिन हाँ, जो भी मुझे पता है मैं आप लोगों से शेयर करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु चैनल का साथ।